Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope आप सारे लोग यार बढ़िया ही होंगे. तो चलो आज की राइड ना स्टार्ट हो चुकी है. मैंने घर में इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सुबह सवेरे निकले थे तो अंधेरा थोड़ा सा था. तो अभी हाईवे पे पहुंचे तो यहाँ पे स्टार्ट किया. तो ये रहा मेरे साथ और एक बंदा. हेलो, कैसी रहनी है आज की राइड यार? राइड तो अभी पता नहीं, फिर भी जस्ट कर सकता हूँ कि बहुत अच्छी होने वाली है. बहुत फाड़ू राइड होने वाली है यार, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़, जो कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा. तो कल वाले ब्लॉग में देखते हैं यार कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ का प्लान बनता है, क्योंकि दिल्ली से और भी एक ग्रुप आ रहा है. तो फिर देखते यार क्या कहते यार, कितनी बड़ी राइड होने वाली है ये बताओ. राइड तो क्या कह सकते हैं कि राइड बड़ी बहुत ही अच्छी होने वाली है. ये यस, मज़ा भी बहुत आ जाएगा. तो चलो यार अभी जल्दी से चल लेते हैं अपनी बाइक पे, जो कि ये रही मेरी कुछ बाइक यार. तो बस देखते यार रास्ता कितना लंबा होने. वैसे मैंने सुना रास्ता ना थोड़ा सा ख़राब है, जम्मू से आगे जो कि शायद लखनपुर वाला ब्रिज है वो गिर चुका है. तो देखते यार जैसे भी सीन होता है यार. ठीक है, चले चले चले. सुबह सुबह निकलने का ना एक फ़ायदा होता है यार, वो फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक जैम नहीं होता किसी जगह, रास्ता की खुला मिलता है और उतनी ज़्यादा धूप भी नहीं मिलती है. तो बस अभी यार सूरज देवता निकल आ चुका है. अभी तो वैसे थोड़ी सी ठंड है, कश्मीर में तो होती है यार, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो, सुबह सुबह ना ठंड ठंड होती है थोड़ी थोड़ी. तो अभी ठंड है लेकिन आगे जाके यार मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी मिलने वाली है. जब जम्मू क्रॉस कर लेंगे या फिर जम्मू पहुंचेंगे तो वहां पे ना फाड़ू वाली गर्मी होगी यार. लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन का तो काम है बस, या फिर दो दिन भी लग सकते हैं चंडीगढ़ में. उसके बाद ना फिर हम पहाड़ों पे जाएंगे. तो कहां जाने वाले वो तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, जबकि नया वाला व्लॉग आएगा. अभी खाली चाय पी के निकला हूँ मैं, तो रास्ते में देख लेंगे और एक चाय पी लेंगे, क्योंकि जब चाय पी लेता हूँ ना मैं तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील होता है यार, माइंड ना फ्रेश रहता है. तो आज थोड़ा सा धीरे चलेंगे, वैसे हमारी नॉर्मल स्पीड हाईवे पे 90-100 क्रूज रहती है, तो आज थोड़ा सा ना उससे भी स्लो चलना पड़ेगा. सो गाइस बानिहाल पहुंच चुके हैं हम. तो ये वाली बाइक ना एकदम मक्खन चल रही है, एकदम मक्खन. तो धीरे धीरे इसको चला रहे हैं हम. तो बस यार मेरा ना सर थोड़ा सा दुख रहा था वहां से, जब संगम से निकले हम तो मेरा सर थोड़ा सा दुख रहा था पीछे से. फिर मैंने हेलमेट बिल्कुल भी नहीं पहनी वहाँ तक, क्योंकि जब हेलमेट पहनता था मैं तो पीछे से ना वो जो कैसे बताऊँ यार, नहीं बता पा रहा हूँ कितना दर्द हो रहा था पीछे. तो बस यहाँ पे रुके अभी एक जगह पे जो कि बानिहाल में है. तो बस यहाँ थोड़ी सी चाय पी लेते और थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट कर लेते ताकि मेरा जो सर दर्द है वो ना ख़त्म हो जाए. तो उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं. वैसे अभी थोड़े से बादल भी है तो राइड करने में ना एकदम मज़ा आता है, एकदम मक्खन की तरह ना, मतलब वो गर्मी भी फील नहीं हो रही है अभी, लेकिन आगे मुझे 110% पता है ना बहुत ज़्यादा फाड़ू गर्मी होने वाली है. तो चलो यार पहले चाय पी लेते हैं. तो सो गाइज जम्मू वाले रोड्स ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, मतलब काफ़ी हद तक यार अच्छे हो चुके हैं. बस खाली बीच बीच में जैसे कि ये देख रहे हो थोड़े छोटे छोटे पैच ना ख़राब है, बाकी ओवरऑल ना रोड्स एकदम यार मक्खन हो चुके हैं. पिछली बार आया था मैं शायद एक महीने पहले तो इतने अच्छे नहीं थे, मतलब थे अच्छे लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं. तो अभी एक महीने बाद आया हूँ इन रोड्स पे और थोड़े से अच्छे हो चुके. जब अगली बार आएंगे तो और थोड़े से अच्छे, मतलब डे बाई डे ना अच्छे होते जा रहे हैं ये वाले रोड्स काफ़ी हद तक. और जो पुराने वाले रोड्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उन पे ना मैं आँख बंद करके भी यार बाइक चला लेता था. इसलिए यार ये वाले रोड्स ना कट जाएंगे और यहाँ से फ्लाईओवर बन जाएगा और ऐसे ऐसे करके ना रोड्स बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं. और यहाँ से सीधे अब जाओ और टनल में घुस जाओगे और उस पार निकलोगे, तो काफ़ी हद तक ना रोड्स छोटे हो गए और काफ़ी चौड़े हो गए. सो गाइस रामबन ना लेफ्ट साइड से है मेरे, जो कि दिख रहा है आप लोगों को वो जो रास्ता जाता है वहाँ से तो रामबन कट चुका है और उसी का ना ये फ्लाईओवर बन चुका है जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ. तो मतलब ना वहाँ अगर वहाँ से आते थे ना पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता था वहाँ पे भी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. और ये जो साइड से निकला ना तो बस खाली वहाँ से आओ सीधे जाओ, बस रामबन कहीं दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, बस खाली श्रीनगर से जम्मू तक या फिर जम्मू से श्रीनगर तक ना ये वाला पैच सबसे ज़्यादा ख़राब है. ओए होए होए मिट्टी देख रहे हो यार, ओ माय गॉड. सो ये देख लो यार कौन मिला रास्ते में, एक सेकंड यार साइड करता हूँ.
ओए होए होए, ओहो अपन का फ्रेंड मिल गया यार रास्ते में अचानक से। ओहो मिल गया, कहाँ से आप ये बताओ, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तो चलो यार थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहले इससे बातें कर लेते हैं। तो काफी दिनों बाद ना, नहीं अभी मिलेंगे बस। गाइस उधमपुर भी हमने क्रॉस कर लिया, जम्मू भी क्रॉस कर लिया और शायद सांबा भी क्रॉस कर लिया, विजयपुर भी क्रॉस कर लिया, मतलब सब जगह ना क्रॉस कर लिए। रोड्स ना जम्मू से थोड़े से ख़राब है क्योंकि रोड्स नए बन रहे हैं तो उस वजह से थोड़े से ख़राब है। बाकी गर्मी का पूछो ही मत यार, इतनी ज़्यादा गर्मी ना, मतलब यहाँ आना ना मतलब मौत को दावा देना सीरियसली। तो किसी ने सच कहा यार कश्मीर जन्नत है, सीरियसली यार कश्मीर जन्नत है। तो इस बाइक का ना कल से नंबर नहीं था, अभी तक ना नंबर के बगैर चल रहे थे, तो अभी SMS आया इसका नंबर, तो पहले सोचा लगवा ले क्योंकि इसके नंबर प्लेट ना 2-4 दिन बाद पहुंच जाएंगे, तो तब तक हम यहाँ से घूम के वापस आ जाएंगे वहीं पे, तो फिर वहीं पे लगवा लेंगे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई ना गर्मी से। ओए ओए क्या हुआ, दिमाग खराब हो रखा क्यों? क्या ऊपर क्या है, यहाँ पे आ जाओ, चला जाओ यहाँ पे, जल्दी से आ जा, जल्दी आ जा। बताओ यार, बता। गर्मी ना इतनी ज्यादा है कि क्या बताऊं, अभी मेरा सर दुख रहा है, पैर खत्म, भागो खत्म, सब कुछ खत्म। अभी ना मैं अंदर बैठा था, ठीक है, ये नंबर बनवा रहा था तो मैं अंदर बैठा था, तो ये बोल रहा है बीच में से, भाई मैंने कहा क्या, बोलो यार सीरियसली कश्मीर जन्नत है, किसी ने सच कहा। इतनी हंसी आई ना मुझे क्योंकि शायद ये पहली बार आया है बाहर गर्मियों में। सर कितनी है जगह, छोड़ो 316 तो 316 किलोमीटर चलिए, अभी 1-200 चलाएंगे इसको आराम आराम से, तो फिर उसके बाद सर्विस, फिर यार भगाओ भगाओ हावे पे। और मेरी वाली भी ना ठीक चल रही है, तगड़ी चल रही है ये भी कसम से, वैसे तो है तो 200 cc की लेकिन कम्पीट इससे कर रही है कि नहीं, है कि नहीं, बराबरी में, बराबरी में चल रही है कि नहीं, बराबरी में हम चला रहे हैं, चल नहीं पाएगी ना। वो तो अलग बात है यार, वो तो रेस होगी, उसे कहते हैं फिर रेस, उसे रेस कहते हैं, अभी तो चल रही है मगर हम चला रहे हैं। वो ही तो कह रहे हैं ना यार, रेस थोड़ी कर रहे हैं, चला ही तो रहे ना, वही बात है। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे है, तो जहाँ पे हमने नंबर प्लेट लगवा लिया तो वहीं पे ना दिमाग में आ गया यार, एक दोस्त है मेरा वहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ पे रहता है, तो मैंने फ़ोन उठाया, कॉल की और वहीं पे रहता था एग्जैक्टली, तो वहाँ पे आ गया वो 2 मिनट के बाद, उसने खिला लिया पिला लिया यार, अभी भी ना कौन सी जगह ये भाई, जमशेदगढ़ फोर्ट वहाँ लेके गया, बोला कि बस पास में ही है, खाली हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ लेके आ गया, तो बस यार अभी यहीं पे घूम रहे हैं, देखते यार आगे क्या मिलेगा। भैया इस बारे में कुछ बताओ हमें, बागू मत इस बारे में बताओ, इस फोर्ट के बारे में बताओ कुछ, अरे चल चल ब्लॉग में बता। मुझे खुद नहीं पता। बोल रहा है मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं यार, हाँ हाँ अबे दीवार के ऊपर मैं नहीं चढ़ने वाला यार, गिर जाऊंगा तो। कहाँ पे क्या किया, जान दे दिया राजा और रानी ने इस कुएं में, और ये उस टाइम का जेल था जो कि अभी खंडर हो चुका है, अलग ही सीन था यार उस टाइम सीरियसली। तो कुआं देख लेंगे पहले, भैया बता रहे उस टाइम पता नहीं राजा और रानी ने ना अपनी जान दे दी इसमें कूद के, बताओ इस बारे में। यहाँ राजा और रानी रहते थे। अरे और बताओ ना यार। तो ये कुछ यार यहाँ से कुआं दिख रहा है,
ओ भैया काफी गहरा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। कितना गहरा है भैया? भैया भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भैया। छोटू आ जाओ, बताओ इस बारे में किसको? नहीं आप थोड़ा सा बताओ, बताओ ये क्या है, ये इसकी कहानी बताओ। मेरे को नहीं आती उसको। वो भाग गया, चलो भागो अब। अब यार टॉप ऑफ द फोर्ट, सबसे टॉप जगह पे आ चुके यार। ओए होए होए होए, कितना गहरा यार, पूरा फोर्ट यहाँ से दिख रहा है यार। वो भी जेल थी, वो भी जेल थी, वो भी। अबे बकरिया है जेल में? अरे यार बकरिया क्या कर रही है जेल में? बकरिया क्या कर रही है जेल में? ये देख लो यार बकरिया। शायद ना, शायद अब बकरियों को जेल में डाल दिया गया है ना। मुझे ऐसा ही लग रहा है, बकरियों को जेल में डाल दिया। तो चलो यार जल्दी से यहाँ पे चल लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हुआ ना, कहीं का नहीं पहुंचेंगे यार। सीरियसली यार सुनने में आया है आगे ना कोई पुल टूटा हुआ है, कोई अलग सा रूट जाता है, फिर पता नहीं यार कौन सा वाला रूट है। शायद मैंने सुना है जो लखनपुर वाला ब्रिज है, लेकिन वो वाला था नहीं, कोई और ब्रिज है जो कि टूटा हुआ है। अरे यार पूरा की पूरा पुल टूटा हुआ है यार, अब कहाँ से जाना है भैया? भैया रास्ता कहाँ से? अच्छा ये वाले रूट से, ठीक है भैया थैंक यू। अरे यार हाईवे पे ऑफ रोडिंग, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। लगने वाली है भैया, लगने वाली है। भैया की गाड़ी टूट चुकी है, हाँ सच में अब देख रहा है। डर गया, जा सकते हो? चलो यार मैं तो चल लूंगा। चलो 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 चलो, पैर नीचे नहीं रखने का भैया, पैर नीचे नहीं रखने का, पैर नीचे रखा तो भैया कितना गहरा है, पानी चला गया जूते में। हाँ हाँ क्रॉस कर लिया हमने। हाँ हाँ भैया, अरे यार सीरियसली लद्दाख में भी नहीं है ऐसा। जूते में पूरा पानी भर चुका है गाइस। ओए ओए गुड, खत्म मामला, ऐसी बहुत सारी बॉर्डर क्रॉसिंग लद्दाख में भी मिलेगी। वो तो है यार, पानी में पता नहीं था कि पत्थर, हाँ 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 ये मसला है, पत्थर नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा था कहाँ पे पत्थर है। वो तो मेरे साथ भी हो यार, मैंने बाइक लेकिन नहीं छोड़ी, ये हुई ना बात। अब तो आप लद्दाख सिलेक्ट हो। तो बस अभी खाली खाली रोड है यार, इतना ज्यादा थका देने वाला रोड है ना, पूछो ही मत। पसीना देख रहे हो यार, इतना पसीना है ना, अगर मैं इसको ऐसे कर लूंगा ना तो टपक के पसीना आ रहा है सीरियसली। तो बस यार खाली हाईवे है और कुछ नहीं है यार दिखाने को, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से चल लेते और वहीं पे। अरे यार चुप, तो एक काम कर लेते यार, यहाँ से चल लेते और वहीं पे अपना व्लॉग एंड कर लेते, क्योंकि वैसे भी यार व्लॉग लंबा बन गया है। सही है भाई सही है, एक मिनट नहीं रुक सकते, देखिए यार
तो इसकी हालत देख लो यार, कैसे पसीना टपक टपक के आ रहा है, टपक रहा है। बताओ बताओ यार कुछ। मैं अभी कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है। क्यों, क्या कहूँ मैं, क्यों गर्मी से बंदा पहली बार आ रहा है यार इस गर्मी में। हमारी तो वैसे भी आदत है, वही पे पड़ रहे हैं और वही पे होते हैं इस गर्मी में। तो चलो यार, यहाँ से अभी खाली रोड है, वो ही जाके अपना व्लॉग एंड कर लेते हैं। अगर कुछ रास्ते में दिखा, कुछ ऐसा कुछ दिखाने लायक तो दिखा देंगे, वरना तो बस, समझ रहे हो ना। 2000 years later। तो गाइज पहुंच चुके हम अपने रूम पे यार, बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार कसम से। खाली ना खाली गर्मी ने हमारी हालत खराब कर दी, इतनी ज्यादा गर्मी, कम से कम ना 15 से 20 लीटर एक एक बंदे ने पिया होगा पानी, इतनी हालत खराब, क्या बताऊं यार। क्यों भाई, क्या हुआ था कल? क्या बताऊं कल क्या हुआ, जिंदगी में इसके साथ पहली बार हुआ, शायद मेरे साथ भी ना ऐसा पहली बार। एक बार दिल्ली गया था मैं, तो वहां पे हुआ था बस। नहीं, विंटर्स में तो चलता है, विंटर में तो, विंटर में, विंटर की अलग बात है यार, विंटर्स में तो मजा है, उसमें मजा आता है, लेकिन आज गर्मी ने ना हालात खराब कर दी। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यही था कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, क्योंकि कल ना देखते यार बाइक की पहली सर्विस होगी, है ना, बाइक की पहली सर्विस होने वाली है। मतलब शोरूम से निकलते ही ना हमने इसे लॉन्ग राइड पे ले लिया, मतलब पहली सर्विस भी नहीं हुई थी। तो आज यहाँ पहुंचे, तो कल अब भी सो जाएंगे, तो कल पहली सर्विस होगी बाइक की। तो चलो यार, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बाय।